को अप्रिहेंड किया गया था आज सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास से। तो उससे बातचीत की है, उसने कन्फर्म किया, कन्फेस किया है उसने। तो डिसीज्ड लड़की है मनप्रीत कौर, ये पिछले 9-10 साल से इनके अच्छे संबंध थे, दोस्ती थी और शादी तक भी इनकी बात पहुंच गई थी, लेकिन किसी वजह से पिछले 6-7 महीनों से इनकी जो आपस में जो रिलेशनशिप थी वो सोर हो गई थी, ब्रेकअप जैसे हो गया था। और जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टॉकिंग टर्म्स में नहीं थे। जो भी मैं अभी बता रही हूँ, थोड़ा 1-2 घंटे ही इससे बातचीत जो हो पाई है उसके बेसिस पे बता रही हूँ, बाकी इसका रिमांड लेके क्लियर करेंगे। बट पिछले 6-7 महीने से वो जो डिसीज़ लड़की है वो इसको कुलदीप अक्यूज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी ठीक से, जिसकी वजह से कुलदीप बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। और कुलदीप को शक था कि मनप्रीत जो है किसी और के साथ रिलेशनशिप करके शादी के बारे में सीरियस हो रही है। तो उसको 3-4 लड़कों के ऊपर शक था, कंफर्म उसको किसी का भी नहीं था। तो इसलिए उसने अपने शक को कंफर्म करने के लिए, जो ये कल मर्डर हुआ है तो 15-14 और 15 की इंटरवीनिंग नाइट को सुबह 4 बजे के करीब इनके घर में एंट्री की है, फोर्स्ड एंट्री की है, छत से नीचे उतरा है और पीछे वाला जो दरवाज़ा है वहाँ पे उस थोड़ी ओपनिंग थी, चूँकि इसका बहुत इनके घर में आना जाना था, उसको ये सब बातें पता थी, उससे उसने हाथ डाल के कुंडी खोली है, घर में एंट्री की है। दोनों बहनें तब सो रही थी और उसका बेसिकली मोटिव ये था कि मनप्रीत के मोबाइल को चेक कर लिया जाए, कि एग्जैक्टली अपने शक को कंफर्म करना था कि किसके साथ सीरियस हो रही है वो रिलेशनशिप में। तो उसने मनप्रीत का फ़ोन जो है वो खोलना चाहा, अनलॉक करना चाहा, लेकिन चूंकि मनप्रीत की मेहंदी लगी हुई थी, शायद आप लोगों ने भी फोटोग्राफ्स देखी होंगी, दोनों बहनों की मेहंदी लगी हुई थी राखी की वजह से, तो उस वजह से फ़ोन अनलॉक नहीं हो पाया। कोड उसको पता नहीं था क्योंकि 6-7 महीने से इनका ब्रेकअप हो गया था। तो जब नहीं हो पाया, वो कई बार ट्राई किया उसने, 4-5 बार, उतने में दूसरी सिस्टर जो है वो उठ गई वॉशरूम जाने के लिए, तो ये छुप गया। जब वॉशरूम चली गई तो उसके बाद दोबारा ट्राई किया, उतने में उसकी नींद खुल गई तो आपस में इनका काफ़ी बोल बुलारा हुआ। उसके बाद अक्यूज़ ने डिसीज्ड लड़की मनप्रीत कौर का गला दबाया, उसका सर पटका है और किचन में, क्योंकि इसका घर में आना जाना था, इसको पता था कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, तो कैची टाइप चीज़ थी उसको उठा के इसने उससे भी मारा है, और फिर वहीं पे एक चुन्नी पड़ी हुई थी उससे गला भी घोटा है और सर भी इसका पटका है। मीनवाइल जो दूसरी डिसीज़ लड़की है सिस्टर राजवंत, वो भी आ गई थी, तो उसने भी इनको देखा, उस वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल हुआ है अक्यूज़ के बॉडी पे, ख़ास तौर पे हैंड्स पे स्ट्रगल के मार्क्स भी है जो कि कंसिस्टेंट है क्राइम स्पॉट में जो स्ट्रगल हुआ है उसके संबंध में। तो वहाँ पे जो दूसरी डिसीज़ लड़की है उसके साथ भी स्ट्रगल हुआ, तो उसको भी जो अक्यूज़ है उसने इस कैची से घोपा है, उसका भी गला दबाया है और चुन्नी से दुपट्टे से स्ट्रैंगुलेट भी किया है।
और जो अलमारी है और नीचे ज़मीन पे आपने देखा होगा काफ़ी पूल ऑफ ब्लड था, ब्लड का काफ़ी पूल था, तो वो सर भी पटका है। और उसके बाद कुलदीप जो है दोनों ही उस मनप्रीत के दोनों ही मोबाइल उसने ले लिए और बाहर से दरवाज़ा बंद करके लॉक लगा के की लेके ये वहाँ से निकल गया। वहाँ से ये झीरकपुर गया अपने घर में। अपने घर में इसने अपने सिस्टर से राखी बंधवाई, अपने कुछ कपड़े वगैरह उठाए और वो सब उठा के वो पहले अम्बाला गया। अम्बाला से उसने ट्रेन पकड़ी और दिल्ली गया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद वो सोचता रहा कि क्या किया जाए, पैसे पूसे भी निकलवाए इसने एटीएम से मीनवाइल। तो जब इसको कुछ समझ नहीं लगी तो ये वहीं पे रुक गया। मीनवाइल उसने अपने किसी दोस्त को कांटेक्ट किया, तो हम कंटिन्यूअसली उसकी मॉनिटर कर रहे थे, सीडीआर भी हमने चेक कर रहे थे, तो उसमें हमें ये लीड मिली कि शायद वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास हो सकता है। जिसके बाद सब इंस्पेक्टर कुलदीप और सब इंस्पेक्टर सतनाम, इन दोनों के नेतृत्व में ये एक टीम हमने वहाँ पे भेजी दिल्ली में। और वहाँ पे रेलवे स्टेशन पूरा छान मारा इन लोगों ने। करीब 2000 लोग उस टाइम रेलवे स्टेशन पे मौजूद थे, तो उसमें से चूँकि हमने हमारे पास इसकी फ़ोटो आ गई थी तो ये आइडेंटिफाई हुआ, इसको वहाँ पे अप्रिहेंड कर लिया गया। और